छत्तीसगढ़ में एसटी एससी और अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण में 12% कटौती होने से प्रदेश में राजनीति गरमाई हुई है। एक तरफ जहां आरक्षण में कटौती को लेकर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह कांग्रेस सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बस्तर प्रभारी मंत्री कवासी लखमा का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि भाजपा के पूर्व गृह मंत्री ननकी राम कंवर के हाल ही में आए एक बयान से साफ जाहिर होता है कि रमन सिंह ने जानबूझकर आरक्षण के फाइल को सही समय पर नहीं भेजा। भाजपा मंत्रिमंडल के कमेटी ने हाईकोर्ट के निर्देश पर रिपोर्ट को सुधार कर दिया था, लेकिन रमन सिंह ने इस फाइल को दबा दिया था और इस वजह से सही समय पर इसे पेश नहीं किया गया। इसके बाद जब वर्तमान कांग्रेस सरकार ने हाईकोर्ट में रिपोर्ट पेश की तो हाईकोर्ट ने पुरानी कमेटी को रिपोर्ट को ही पेश करने का हवाला देते हुए कांग्रेस सरकार की रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया। इसके साथ ही मंत्री कवासी लखमा ने आरक्षण को लेकर सुनते हैं क्या कुछ कहा। जो पिछले सरकार ने रमन सिंह ने 2012 में हाईकोर्ट में दिया था, हाईकोर्ट ने बोला था कि इसको डिटेल बना के दो। ननकीराम कोवार ने मंत्रिमंडल कमेटी का चेयरमैन थे, आदिवासियों ने वरिष्ठ विधायक होने के कारण, गिरि मंत्री होने के कारण, आज रमन सिंह ने लगातार हमारे सरकार को वार कर रहा था कि सरकार अच्छा पेश नहीं कर पाया, अच्छा वकील करा नहीं पाया। ये कितना झूठ बोलते हैं, आज पूरा पानी का पानी दूध का दूध हुआ।